خدے کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. चिंता न कर बापू, तू जैसा चाहेगा वैसे ही होगा. मेरे दोस्त, आप मुझे विदा करो. डाकू शेर सिंह का बेटा डाकू हरि सिंह हूं. डरो नहीं, मैं तुम्हें लूटने नहीं आया. तुम्हारे पास बचा ही क्या है लूटने के लिए? तुम्हारे जिस्म का खून सौकार चूस चुका है. मैं तो सिर्फ सौकार का खून चूसना चाहता हूं. उसने पुलिस की मखबरी की. मेरा बाप पुलिस के हाथों मारा गया. बताओ सरकार कहां है? बात क्यों नहीं? सरकार कहां है? सरदार, यह साहूकार का खास आदमी है. बोल, साहूकार कहां है? नहीं, 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 thank you.
डाकू साहब, डाकू साहब। अरे साहूकार की तुम, डाकू साहब नहीं, डाकू साहब। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मैं तो अपने घर में झाड़ू देकर चांदी का आखिरी चल्ला तक लेकर आ गया हूँ। ये देखो, अरे ये देखो, ये है मेरी आखिरी पूंजी। बही खाता कहाँ है? उसे मैं लेकर आया हूँ और इसी के बैठे के सर पर रख के लाया हूँ। आ बेटा रख दे यहाँ। राख 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 राख। और ये जलाएगा भी खुद ही, ताकि इस मोटू राम को अपने बाप की तरह गरीबों के खून से बही खाता लिखने की आदत ना पड़े। चल बेटा जरा बही खाता दिखा पब्लिक को। अरे बेटा शाबाश, लाओ मट्टी का तेल लाओ। मुझे क्यों पूछता? हां दे दो, दे दो, चल चला दे, ले ले। हाथ परे हाथ। अब नाच नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी। अरे तेरा तो बाप भी नाचेगा। नाचेगा पर तेरी माँ के साथ। अभी बताता हूँ। अच्छा ये डाकू शेर सिंह का अड्डा है। यहाँ आज तक किसी औरत की इज्जत नहीं लूटी गई। छोड़ दे सर। चलो इसे ले जाकर वहीं छोड़ देना जहां से मंगल आया था। सर सरदार, सरदार वो साहूकार गांव में आ गया। सरदार साहूकार यहाँ से निकल जाओ वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगा। साहूकार जी, भीख मांगने आई हूँ, मुझ पे तो आप दया कीजिए। ना तो टीका दे दो, बेटी के ब्याह के बाद वापस दे दूंगी। साहूकार जी, साहूकार जानती नहीं ये मेरी पूजा का वक्त है। मैं तेरी रहूंगी, जुलम भी सहूंगी।
मेरी जाऊ तू का बात कर जाती मेरी जान तुम बहुत खुश है मैंने शेर सिंह को मरवाने में पुलिस की मजबूरी नहीं की मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया ठाकुर मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया मुझे क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो ठाकुर मुझे क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो साहूकार धर्मदास को मालूम हो कल रात को ठीक 11 बजे देवी स्थान पर 50,000 रुपए पहुंचा देना अगर धोखा देने की कोशिश की तो चलन से हाथ धोना पड़ेगा डाकू हरि सिंह कौन हो तुम बोलती क्यों नहीं जाती नहीं ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है साहब माफी दो गाड़ी चल पड़ी थी फूल से बैठ गई अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगी ठीक है अगले स्टेशन पर उतर जाना खड़े रहे भाई छोड़कर भाग रहा था मालिक आपकी चिट्ठी मिले और मैं गांव छोड़ दूं मैं तो यूं ही धर्म कर्म काम के लिए एक औरत की आबरू लूट कर हरिद्वार जाने का पुण्य कमा रहा था कमीने हम डाका डालते हैं तो लोग हमें डाकू कहते हैं तुम बहनों की इज्जत लूटे हो माओ की कोख पर डाका डालते हो और तुम्हारे हाथों से मंदिर की स्थापना की जाती है तुम्हारा नाम धर्मदास रखा जाता है मालिक सारी दौलत इसी में
मंदिर बनवाया या आपकी सेवा की, दोनों में एक ही जैसा फल है मालिक। ये लीजिए, ये लीजिए। तू दूसरे डिब्बे में जा। मैं उस आदमी को कभी नहीं छोड़ता जो औरत की इज्जत लूटता है। मैं इसका नाम अपने खाते में लिख लूंगा। जा। कैसी थी बाबा? सारी रात तो बेहोशी में गुजरी। अभी होश आने से पहले मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे कोई डरावना सपना देखा हो। सपना देखा? डरावना? क्या मैं किसी गांव में हूँ? तुम सब कौन हो? हम नाटक वाले हैं। ये गांव नहीं, गांव से कुछ दूर हमारे झोपड़े हैं बेटा। लेकिन मैं यहाँ आया कैसे? कौन लाया मुझे? मैं लाई हूँ। छाती में घाव था, बेहोश थे, जरूर किसी डाकू ने जख्मी किया होगा। याद आ गया। मेरा घोड़ा कहाँ है? मजा लेने के घास खा रहा है। तू अपनी चिंता कर अपनी। चंपा, हाथ मुंह धुला के चाय पानी करा दी से। न जाने कब से पानी की बूंद नहीं गई बेचारे के मुंह में। अच्छा डॉक्टर, क्यों, क्या हाल है इनका? ये है मास्टर गुलाब और ये बेला, जमुना और मैं। अरे हरिया की छाती में गोली लगी है। गोली मैंने अपनी आंखों से देखा। क्यों मैं धतूरे बोलता क्यों नहीं? धतूरे क्या बोलेगा? किसी के पास अकल हो तो बात नहीं करे। ये तो सब उल्टी खोपड़ी के हैं। ठीक कहता है धतूरा, ये सब हरिया के इशारों पर नाचने वाले दो टके के लट्टू हैं। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं, अब तुम ही जवाब दो। अगर हरिया जिंदा होता तो वापिस आता कि नहीं? और फिर बुढ़े ने खोज निकालने में कौन सी कसर उठा रखी है? जंगल का कोना कोना छान मारा। मंगल, इज्जत से नाम ले। चाचा कहे चाचा। अरे हाँ, कहा चाचा? कहा एक बार नहीं, हजार बार कहा। कहो तो बात कह दे। लेकिन ये बताओ कि लूट का माल बांटना चाहिए कि नहीं? अपने समझ में तो मंगल की बात आ गई, लूट का माल बांट लिया जाए। नहीं, जब तक हरिया वापस नहीं आएगा लूट का माल नहीं बटेगा। चाचा ठीक कहता है, हम सरदार की राह देखेंगे। मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी। मेरा दिल गवाही देता है कि हरिया जिंदा है। खुदा ना करे अगर कुछ हो गया होता तो हरिया का घोड़ा जरूर वापस आता। मंगल, लूट का माल अभी नहीं बटेगा, सुन लिया? हाय, थामे रे, छोड़ियो मत। बाप रे, खाओ तो बड़ा गहरा है। हाँ, तेरे बाबा बोलते थे जल्दी भर जाएगा। हाँ रे, तेरा तो भर जाएगा। क्यों, तेरे को भी घाव लगा है क्या? बहुत गहरा। तेरे को बंदूक से और मेरे को तीर से। और मारा किसने? डाकू ने। सच रे, मैंने तो बहुत ताना की, हाथ जोड़े पैया पड़ गई, पर उसने ना आओ देखा ना ताओ टन से तीर मार दिया। पर वो तेरी तरह नकली डाकू नहीं है, असली है असली। धन भी लूटता है और मन भी, समझा? नहीं समझा?
बड़ा भोला है। अच्छा मैं चली, तू दो घड़ी आराम कर ले, सांझ हो गई है, बाबा भी आते ही होंगे। तेरा नाम? चंपा। और तेरा? हरि सिंह। अच्छा मैं जाऊं? आए भरोसा करूं तेरे ऊपर? तू डाकू है, कहीं पकड़वाना दू, यही ना? हाँ। अरे अब क्या जवाब दूं तुझे, तेरी समझ में तो कोई बोली आती ही नहीं। जा आराम कर, डाकू कहीं का। अच्छा लगता है ये भोला भाला सांवरिया।
हूं कि हरिया मर चुका है। मंजल, हाँ हाँ हरिया मर चुका है। हाथ उठाने पर मजबूर न कर। मंगल, मेरा हाथ उठ गया तो फिर रुक नहीं सकेगा। मैं कहता हूं मेरा हाथ उठ गया तो फिर रुक नहीं सकेगा। ये ले। चांद से मार डालूंगा। हरिया, तुझे मेरे प्यार की कसम है, तुझे छोड़ दे इसे, छोड़ दे। लूट का माल बांट लिया जाए। क्यों मैं हरिया, अब कैसा है दर्द? ठीक है चाचा। लाओ तबादू करा दो। हरिया, ओ चाचा, बोल बोल। देखो बेटे, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उड़ती चिड़िया देखते हैं और बता देते हैं कि ये नर है या मादा, मगर मैं उनसे 10 हाथ आगे हूँ। मैं उड़ता हुआ हवाई जहाज देखूं तो फौरन बता दूं कि ये नर है या मादा। ऐसी कोई बात नहीं चाचा। अरे कैसे नहीं है, जब से तू आया मैं तुझे खोया खोया देख रहा हूँ। अरे सुन, किसे के यहाँ दिल तो नहीं छोड़ आया है? अरे बता ना चाचा। ये वो है जिसे मंगल उठा लाया था।
का संदेश लाया हूँ। समझ गई, हरिया ने मुझे चिट्ठी लिखी होगी। चिट्ठी? अरे पर पढ़ेगा कौन, मैं तो कखा गगा भी नहीं जानती। ये क्या सोच रही है? उलझन में पड़ गई। उलझन कैसी? कह दू? हाँ कह दो। कह दू? हाँ हाँ कह दो। तू ही पढ़ दे। अरे इधर ठहर ठहर, मैं जरा मुंह फेर लूं, फिर लज्जा नहीं आएगी। अच्छा पढ़। हाँ लिखा है कि चंपा को मेरा प्रणाम। अरे जरा गौर से पढ़, गौर से, कुछ एरी मेरी जरूर लिखा होगा। कुछ नहीं लिखा, लिखा है कि मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उपकार उपकार तो समझे, जरा जल्दी से मतलब की बात पर आना। समझ गई। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, चल आगे बढ़। और जिस लड़की से प्रेम करता हूँ उसी से ब्याह कर रहा हूँ। जान पड़ता है, कम दिखाई देता है, बूढ़े हो गए हो। चश्मा लगा चश्मा, लिखा है और उसी से ब्याह करूँगा। बार बार मत कर, ठंडे ठंडे सुन। यही लिखा है कि जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसी से ब्याह कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि मेरे ब्याह पर नाच भी तेरा ही हो। मुंह मांगे पैसे दूंगा। बस संदेशा खत्म। बोल हरिया से कुछ कहना है? बेटी मैं हरिया का चाचा भी हूँ और बाप भी। चाहता हूँ हरिया डाकू न रहे, भला आदमी बन जाए। अभी तक पुलिस चौकी में उसकी तस्वीर नहीं है, जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का इनाम नहीं है। तेरे साथ वो अपना घर बसा ले तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी, और फिर पुलिस हम डाकुओं को एक एक करके चुन चुन के मारेगी, हम सब खत्म हो जाएंगे, और तुम दोनों फूलो फूलो, बस यही मेरी ख्वाहिश है। चाचा चंपा, क्या सोच रही थी? सोच नहीं रही, देख रही थी। क्या? घर तेरा मेरा। अरे हंसता क्यों है रे? क्या तुझे मेरी बात का यकीन नहीं? हाँ अरे हरिया, इसाक मुसक खांसी और खुसक छुपाए नहीं छुपता, भनक बाबा के कानों में पड़ चुकी है। तेरा हाथ मेरे हाथ में देख के ना सब समझ जाएंगे, और अगर ना समझे तो मैं बाबा से साफ साफ बोल दूंगी, मैं हरिया से प्रेम करती हूँ, मेरा घर बसा दे बाबा। तू किसी के पाँव छुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कहता हूं छोड़ दे पाँव।
बात है? चंपा, दुनिया में सब कुछ होगा चंपा, लेकिन तेरा मेरा घर नहीं होगा। ना हरिया, ऐसे ना कह। हाँ चंपा, तेरे प्रेम ने मुझे अंधा कर दिया है। मैं सब कुछ भूल गया, मैं भूल गया कि मैं कौन हूं, एक खूनी डाकू। अरे पगली, मेरे सर सहरा तो बनेगा, लेकिन ब्याह तुझसे नहीं, फांसी के फंदे से होगा। हरिया। हाँ चंपा, एक न एक दिन या तो पुलिस की गोली मेरी छाती चीरेगी या मैं पकड़ा जाऊंगा, अदालत मुझे फांसी का हुक्म देगी, मैं फांसी पर लटका दिया जाऊंगा, तेरा सुहाग तुझसे छीन लिया जाएगा, तेरे हाथों की चूड़ियां तोड़ दी जाएंगी, तेरी मांग का सिंदूर पोंछ दिया जाएगा, तू विधवा हो जाएगी चंपा, एक डाकू और खूनी की विधवा, जिसे दुनिया में कोई इज्जत की नजर से नहीं देखेगा। हरिया, हरिया तू चिंता मत कर, हरिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तेरी याद को छाती से लगाए मान से अपना सर ऊंचा करके चलूंगी। नहीं चंपा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरी कसम मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर सकता, भूल जा मुझे। नहीं समझ लीजिए, मैंने एक सुंदर सपना देखा था, आंख खुली तो सपना टूट गया, सपना टूट गया चंपा, सपना टूट गया। क्यों आ गई? गोली तुम्हें धोखे से लगी है बहन, हम डाकू जरूर हैं, लेकिन मां कसम हम औरत पर हाथ नहीं उठाते। तुमने मुझे मौत नहीं जिंदगी दी है, मैं हर शाम को बेची जाती थी, अब बिकने से बच जाऊंगी, हो सके तो एक एहसान मुझ पे और कर दो, मेरे बच्चे को बचा लो, कल उसे वो ना बना दिया जाए जो मैं बनाती गई। बहन, मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा, पालूंगा, पोसूंगा। बहन, इसकी शादी इतने बड़े घर में करूंगा जिसके द्वार आकाश को छू रहे होंगे। डाकू के वचन पर विश्वास नहीं आया, मैं वचन देता हूं, वचन, मेरा वचन गीता की कसम है। भैया, भैया, लाऊंगा नए नए कपड़े पहनाऊंगा। हाँ मुनिया, हाँ चलो कपड़े उतार। ओए नहीं नहीं बेटा, ओ चाचा बात है चाचा, तू चुप क्यों हो गया? हरिया,
ये लड़की तो मुझे दे दे। तुझे दे दूं? क्यों? जिसके गले में राम के बदले अल्लाह पड़ा हुआ हो वो हिंदू नहीं हो सकती। हरिया ये मुसलमान की लड़की है। ये लड़की हिंदू की है या मुसलमान की मैं क्या जानू। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं ये मेरी बहन की बेटी है जिसे पालने का मैं वचन दे चुका हूं। और चाचा तू तो जानता है मेरा वचन गीता की कसम है। अरे यार आज के बिगड़े और बदले हुए जमाने ने मां मां में फर्क पैदा कर दिया। जिस लड़की ने मुसलमान मां की कोख से जन्म लिया हो वो हरि सिंह की बेटी नहीं बन सकती। ये उनके विचार हैं जो पापी हैं। सच तो ये है सारी दुनिया की माएं एक है उनकी कोख एक है और जिस मां के सहारे अब जीवन बिताना है वो जगत माता है। तेरी मां मेरी मां मुनिया की मां सारे संसार की मां। मां मुझे शक्ति दे मैं एक बाप की तरह आंखों में आंसू लिए हुए अपनी मुनिया बेटी का डूला एक ऐसे घर विदा करूं जिसके द्वार आकाश को छू रहे हो। अरिया सपने कभी पूरे नहीं होते। चाचा ठीक कहता है शहनाई तब बजेगी जब मुनिया जिएगी बड़ी होगी। पगले डाकू की पीठ पर बंधी हुई लड़की कितने दिन जिंदा रहेगी। एक न एक दिन पुलिस की गोली तेरी छाती चीरेगी मेरी छाती चीरेगी मुनिया का कलेजा काट कर निकल जाएगी। चाचा मैं ठीक कहता हूँ बेटे डाकू की पीठ माँ की गोद नहीं बन सकती। डाकू की पीठ मां की गोद नहीं बन सकती है। अबे क्या हुआ हंसता क्यों है? सरदार डाकू की पीठ मां की गोद नहीं बन सकती। मुनिया को मां चाहिए मां। हाँ चंपा हरिया 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 पहले मेरी उंगली काट। अरे काट ना सचमुच जाग रही हूँ सपना नहीं देख रही। हरिया मेरा हरिया मुझे पूरा भरोसा था कि तू एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। हरिया बड़ी बड़ी आंधी आई तूफान आया पर मैं निराश न हुई। आंचल की ओट में आशा का दीप जलाए तेरी राह देखती रही। अरे एक बात तो भूल ही गई बड़े बड़े जुल्म सहे पर तेरी खातिर घुंघरू नहीं बांधे हमेशा के लिए नाच गाना छोड़ दिया। देख बाबा नाटक खेलने गए हैं पर मैं अकेली तेरा इंतजार कर रही थी। उन्हीं पैरों में पायल पहनाने आया हूँ ब्याह करने। हरिया अब मैं तुझसे ब्याह करने को तैयार हूँ लेकिन एक शर्त है मेरी। ले बिना सुने मैंने तेरी हर शर्त मान ली बस। नहीं मेरी बात सुन और सोच कर जवाब दे। तुझे एक बच्चे की माँ बनना होगा। अरे ये भी कोई शर्त हुई? तू बोलेगा ना तो 10 बच्चों की माँ बन जाऊंगी। मेरे कहे को मजाक न समझ बच्ची मेरे पास है मुनिया 3 साल की। तेरी बेटी? नहीं मेरी बहन की। अब मेरी और तेरी मैं बाप और तू माँ। चल हरिया मैं अभी तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तेरे बाबा का उपकार है मेरे ऊपर भगा के ले गया तो उसकी बेइज्जती होगी। चल मैं बारात लेकर आऊंगा तुझे ब्याह के ले जाऊंगा। हरिया हाँ
चंपा, बाबा, चंपा कहाँ है? मैं पंडित लेकर आया और तूने गांव छोड़ दिया। बोलता क्यों नहीं, चंपा कहाँ है? अब चंपा कहाँ? उसने निराश होकर आत्महत्या कर ली बेटा। मैं आशा के दीप जला के गया था। तूने शादी से इनकार कर दिया होगा, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। और तू कहता उसने आत्महत्या कर ली। मैं उसे तलाश करने जा रहा हूं, तू गांव वापस चला जा, समझा? बाबा, सच बात क्या है? बाप औलाद के मरने की झूठी खबर कभी नहीं देता। दतूरे, क्या खबर लाया है? सरदार, देख दतूरे, मैं तुझे कई बार मना कर चुका हूं कि मुझे सरदार न कहा कर। खून खौल जाता है मेरा, गर्दन काट दे मेरी फिर भी सरदारी कहूंगा। वो तो बड़े सरदार ने बेइंसाफी कर दी, जो रजवाड़ा समझकर बेटे को राजगद्दी में बिठा गए। मेरा सरदार तो मंगल है मंगल। खबर क्या लाया है? खबर, बारात कल रात को वापस जा रही है। कल रात को? हाँ, चौधरी ने जी खोल के दहेज दिया है, लड़की को सोने से पीला कर दिया है। लड़की को सोने से पीला कर दिया? जा, इसी तरह हरिया को बोल दे।
उसने तो हाथ पैर काट दिए हैं हमारे। मुनिया बीमार है, वो हरगिज नहीं जाएगा। घुड़की देकर कह चुका है मुझसे। अच्छा हाँ? फिर तो एक ही रास्ता है गुलाब, रात गए मुनिया को उठा ले और गुफे से बाहर खाई में फेंका। मंगल, गुलाब इस वक्त मेरी पनाह में है। से मारना चाहा गुलाब, इसके कहने पर मुनिया को खाई में फेंक रहा था। मैं इसे चांद से मार डालूंगा चाचा, मैं इसका खून पी लूंगा। मंगल, तूने मुनिया की जान लेनी चाहिए, फिटकार है तेरे पर। अरे अगर मारना ही है तो मुझको मार, हरिया को मार। चाचा ये तो पूछो कि ये सब हुआ क्यों। मुनिया हम सबको उतनी ही प्यारी है जितनी सरदार को प्यारी है। हाँ हाँ, मुझे भी मुनिया से इतना ही प्यार है। और अब चाचा को ये भी बता दो कि ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे। साहूकार जगन्नाथ प्रसाद के घर बारात आई और उसका दिया हुआ दहेज हम लूटे, ये सपना हम बरसों से देख रहे थे। अरे आज जब वक्त आया तो हरिया कहता है ये बारात नहीं लूटी जाएगी क्योंकि मुनिया बीमार है। अरे मेरी अकल में जो आया वो मैंने किया, न रहे बांस और न बजे बांसुरी। लेकिन चाचा ये बारात जरूर लूटी जाएगी। हरिया, मंगल ठीक कहता है, हम डाकू बारात नहीं लूटेंगे तो क्या पतंग लूटेंगे। मंगल, बारात लूटी जाएगी। Thank you.
ना भराती सब पुलिस वाले थे। पुलिस वाले हमारे सब साथी मारे गए, मंगल पकड़ा गया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ बेटे। हरिया तू मुनिया को लेकर यहाँ से भाग जा, भाग जा, मगर तुझसे चलता है वो पुलिस को अड्डा बता दे। लेकिन चाचा, अरे मैं कहता हूँ घबरा नहीं, अभी तुम्हारे बूढ़े चाचा में पुलिस को घंटे दो घंटे रोकने का दम बाकी है, तू भाग जा। मैं अपनी जान बचाने के लिए मुनिया को लेकर भाग जाऊँ और पुलिस तुझ पर गोलियां बरसाए। हरिया पागल ना बन, इतना सोच के तू पकड़ा गया तो मुनिया का क्या होगा? कुछ भी हो, मुनिया अब मेरी बेटी है, वो भी मेरे साथ पुलिस की गोली खाएगी। हम दोनों बाप बेटी चाचा के साथ खत्म हो जाएंगे। हरिया होश में आ। तेरी जगह बापू होता तो मैं उसे छोड़कर चला जाता। मां कसम चाचा, तेरा प्यार बापू के प्यार से कम है। इसी प्यार में अंधा होकर तू अपने फर्ज को भूल रहा है। हरिया तूने मुनिया की माँ अपनी मरती हुई बहन को वचन दिया था। बेटे अपना वचन याद कर, तेरा वचन गीता की कसम है। बेटे ये मेरा हुक्म है कि तू गीता की लाज पर मेरे जैसे एक नहीं दो नहीं हजार चाचा कुर्बान कर। चाचा तू मेरा धर्म है, तू मेरा परमेश्वर है। चाचा गीता की लाज तब मिट्टी में मिलेगी जब मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। चाचा तू यहां बैठ, मैं मुनिया को लेकर आता हूं। हरिया मुझे छोड़ के नहीं जाएगा? नहीं चाचा, नहीं जाऊंगा। हरिया अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं गया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, तेरी कसम गोली मार लूंगा। जाता है या नहीं? अल्लाह के सहारे छोड़ दे बेटे, नहीं तो तेरी गीता की कसम पूरी नहीं होगी। चाचा अरे तू समझता क्यों नहीं अरिया, मैं थोड़ी देर का साथी हूँ बेटे। चाचा हिम्मत न हार चाचा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पहाड़ी देख, उसके पीछे एक डॉक्टर रहता है, थोड़ी देर में सांझ हो जाएगी, मैं तुझे उसके पास ले चलूंगा। कौन हो तुम? हरी सिंह डाकू। हरी सिंह डाकू? इसकी छाती से गोली निकाल। नहीं मैं ये ऑपरेशन नहीं करूंगा, ये पुलिस केस। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से इसको यहां तक लाया हूं, अगर तूने चाचा की छाती से गोली नहीं निकाली तो मां कसम दोनों गोली तेरी छाती के पार कर दूंगा। सोच क्या रहा है, निकाल। क्या दोगे मुझे? जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे सब दे दूंगा, माला माल कर दूंगा। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा जुल्म चाहिए, मुझे तुम्हारी वो आदत चाहिए जो इंसान होकर इंसान का खून बहाने और उसे लूटने पर मजबूर करती है। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए जो धड़कता तो है लेकिन पत्थर का है। बस यही मेरे ऑपरेशन की कीमत। दोगे? हरिया
ओह गॉड, ये गुमराह था, एक बहका हुआ इंसान, इसे माफ कर दे, इसे माफ कर दे, इसके कदम नेकी के रास्ते पर जा रहे हैं। मुनिया बेटी को कलेजे से लगाए, चाचा यार खां को सहारा दिए हुए, हरी सिंह आंधी और तूफान का सीना चीरता हुआ नेकी की राह पर बढ़ता चला गया। सूरज डूबता रहा, निकलता रहा, वक्त गुजरता गया। अब हरी सिंह डाकू न रहा, मजदूर बन गया, मेहनत और मशक्कत से रोटी कमाने वाला मजदूर, मजदूर, सिर्फ मजदूर। भगवान लंबी उम्र दे, बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरी बेटी है, खूब बहुत सा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़े घर में शादी जो करनी है। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। क्या नाम है? सुल्ताना। नाम सुल्ताना। उम्र? 5, 5.5, 6 लिख लीजिए गुरुजी। बाप का नाम? मैं तुमसे पूछता हूँ, आपका नाम बताओ। कह तो चुका हूं, ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। तो फिर अपना नाम बताओ। मेरा नाम? क्यों हो गया तुम्हें? रहीम, अरे रहीम, एक गिलास पानी लाना, जरा जल्दी। देखो ऊंचू हो गया ऐसे। ऐसे लगा जैसे धरती कांप उठी, भूचाल आ गया। गुरुजी, क्या पूछ रहे थे आप? तुम्हारा नाम? मेरा नाम रहीम खान। बाबा, सुना है बरसों से तुम्हारी जमीन में हल नहीं लगा, हमें दे दो, जमीन तुम्हारी, मेहनत हमारी, जो पैदा होगा आधा आधा बांट लेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं वो जमीन किसी को नहीं दूंगा, वो मनहूस है। मैं ये सब नहीं मानता बाबा, तुम हाँ कहकर देखो, यही जमीन सोना उगलेगी सोना। सोच ले बेटे, तू तो वैसे ही उजड़ के आया है। धरती माँ होती है बाबा, वो जान लेती नहीं, जिंदगी देती। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा, भगवान करे तू फूले फले। था बेटे, जमीन के एक छोटे से टुकड़े से हमने खेती शुरू की थी और आज अल्लाह के फजल से कितने बड़े फार्म के मालिक हैं। ये सब इन्हीं हाथों की जादूगरी है, जिन हाथों से कल तक टाके डालते थे, इंसान होकर इंसान को बेरहमी से लूटते थे। जब वो दिन याद आते हैं तो अपने आप से घिन आने लगती है। कभी कभी तो मुझे इन हाथों पर बेगुनाहों के खून के धब्बे नजर आते हैं, जी चाहता है कि इन हाथों को काट कर फेंकूं। पापा, पापा,
अव्वल दर्जे से फर्स्ट आई हूँ बस। अरे क्यों नहीं आखिर पोती किसकी है? माना कि पोती आपकी है लेकिन बेटी तो मेरी है। अच्छा बाबा जब आप पढ़ते थे तो क्या आप भी अव्वल आते थे? अव्वल? अरे हाँ हाँ ये फेल होने वालों में से अव्वल आता था। अच्छा मैं चली। अच्छा बेटे अच्छा। चाचा आखिर डाकू की पीठ माँ की गोद बन ही गई। अब इसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो बड़ा घर मिलते देर नहीं लगेगी। और अगर अल्लाह ने चाहने में देर कर दी तो ऐसा चिल्ला खींचूंगा। चिल्ला तो खींच ही रहा हूँ। अब अपने उस्ताद जल्द शादी का पैगाम लेके आएंगे। देखो सुंदरमुख जिस दिन तुम पैगाम लेकर आओगे तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा। लेकिन अभी तो आप दाल चावल से भर दीजिए। ये ले भाई। बस जिस दिन तुम खुशी की खबर लाओगे सुंदरमुख उस दिन मैं तुम्हारा दामन नोटों से भर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए नोट एक एक के ना हो ये वाले हो। सुंदरमुख जी अब आपकी जवानी ढलती जा रही है अपना चिल्ला भी तो खींचिए या कमारा ही मरने का इरादा है? अपने चिल्ले के लिए तो इस पिल्ले से कह रहा हूँ मगर सुनता ही नहीं है। सरकार लड़की देख ली है अब अपने उस्ताद के सर पर सियारा बनने में देर नहीं लगेगी। रुख से पर्दा हटाओ जान है आज दिल को तबाह करने दो। गुरु क्या हुआ पढ़ा? बहुत जोरदार पढ़ा ऐसा पढ़ा के तारे नजर आने लगे। जमा कर दूं बैंक में? करो करो हमारे पास मोहब्बत के अकाउंट में इसके सिवा और क्या है। करो जमा। कितने हो गए? 35 में एक जोड़ दिया पूरे हो गए 36। लेकिन गुरु ये तो बताओ कहाँ तक पहुंचे? मत पूछ तंबूरे टूटी कहो कमंद दो चार हाथ जब के लबे लब रह गवा। अबे सुहागरात से प्यासा वापस आ रहा हूँ। गुरु चिंता न करें एक न एक दिन प्यास बुझ जाए। अबे चिंता कौन उल्लू का गट्ठा करता है? मुसीबत तो ये है कि जब झपड़ पड़ता है आँख खुल जाती है। जब झपड़ पड़ता है आँख खुल जाती है। अबे जब झपड़ पड़ता है आँख खुल जाती है। आप इंतहाई बेगैरत मालूम होते हैं। महीनों से आप पर यही दौरा पड़ रहा है लेकिन आज मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मैं आपको आज ही इसी वक्त आपके बाप खान बहादुर साहब के पास ले जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि ये है आपका बेटा जिसको इश्क ने इस हद तक निकम्मा बना दिया है कि आपको आपकी इज्जत को भूलते हुए हाले दिल सुनाने के लिए मेरे पीछे पीछे और कभी रास्ता रोक कर गाड़ी के ऊपर। खान बहादुर साहब आपकी खाल खींच कर उसमें भूसा भर देंगे। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा अब्बा हुजूर ये आशिक की खाल है खुदा के लिए इसमें भूसा न भरवाइए। मैं आपको सिर्फ बेगैरती समझती थी लेकिन आप तो आप ठीक कहती हैं। मैं बेहुदा हूँ बदतमीज हूँ और जबान दराज हूँ। सुल्ताना मोहब्बत दिलों के सौदे हैं एक बार दिल का हाल कह लेने दो। अगर उसके बाद भी तुमने मुझसे नफरत की तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सुल्ताना 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 मैं पूछता हूं इस सारे गांव में बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही रह गया था? ये देखिए आपकी तरकीब नंबर 14 सिर्फ 1 इंच का फर्क रह गया वरना एक बाजार बंद हो जाता। आप चुप क्यों हैं बोलते क्यों नहीं? मामा जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं। फर्क फर्क 1 इंच का फर्क चिल्ले नंबर 14 तुम पर से कुर्बान बेटे महबूब जाओ और घी के चिराग जलाओ। चिल्ले नंबर 14 में 1 इंच का फर्क लिखा था। मिया घबराइए नहीं
चिल्ले नंबर 15 में एक इंच का फर्क भी जाता रहे। क्या कहा? एक इंच का भी फर्क जाता रहेगा? लेकिन बाजार बंद नहीं होगा, मन मंदिर के किवाड़ खुलेंगे और दो बिल हमेशा के लिए मिलेंगे। गुरु देर न कीजिए, चिल्ला नंबर 15 फौरन बता दीजिए। अभी लो। बरखुरदार जा रहे हो, हंस के जाओ और हंसा के जाओ। क्या कहा मामा सुंदरमुख, हंसा के जाऊं? हंस के जाओ और हंसा के जाओ। मैं तो रो रहा हूं मामा, लेकिन आपको बहुत दिनों से हंसा रहा हूं। लीजिए आज भी हंसी लीजिए। लेकिन एक बात याद रहे, अगर तरकीब नंबर 15 कामयाब न हुई तो ये आपकी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी, गला दबा दूंगा। और चमचे साहब आप भी सुन लीजिए, ये जो आपकी जुल्फे हैं इनको बत्ती दिखा दूंगा, समझे? भूत एक एक की लंगड़ा बना गया, एक एक की नोट पकड़ा गया, गिन जल्दी से। रहे हैं दादाजी, कभी आपने भी शेर मारा है? अरे बेटा लोग तो बंदूक से मारते हैं, मैंने जब भी मारा झापड़ से ही मारा। कोई किस्सा सुनाइए ना शिकार का। तो सुनो बेटा, एक बार मैं शिकार पे गया, क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक अजगर सांप आकर खड़ा हो गया। अजगर सांप? अल्लाह, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना बेटा, मैंने अपनी बंदूक उठाई और आकर वो निशाना मारा कि गोली दाईं आंख को चीरती हुई बाईं आंख से बाहर हो गई। ये दाईं आंख की गोली बाईं आंख से कैसे निकल सकती है? क्यों नहीं निकल सकती बेटे, तुम्हारे दादाजी की बंदूक की गोली थी, कोई फिनाइल की गोली नहीं थी। हमारी गोली ऐसी होती है जिधर हम हुक्म दें उधर ही घूम कर निकल जाती है। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि गोली खाते ही ये सांप मियां इंतकाल फरमा गए और फिर जो मैंने उसको नापा तो वो पूरे 2 मील लंबा था। 2 मील नहीं तो 1.5 मील का तो होगा। ए बेटी, 1.5 मील का नहीं 1 मील का तो था ही। ए रहीम, अब तू कितना ही खंगारे, मैं लंबाई छोटी करने वाला नहीं है। सरकार, सरकार, तू आई है सरकार। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? मैं तो कहते मेरे बच्चे को शेर उठा लेंगे सरकार। ये महान पुरुष जात पात के भेदभाव से बहुत दूर है, दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख समझते हैं। आज लोगों का आशीर्वाद इनके काम आ गया, वरना शेर के मुंह से भी कभी कोई बचा है? बेटी, ये किरणपुर के रईस रहीम खान साहब है। बेटी क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ हमारे सौभाग्य जो हमें भी सेवा करने का मौका मिल गया।
बचा लीजिए, मैं गिर रही हूँ। मोह मुझे उस संसार की तरफ ले जा रहा है जिसे मैं त्याग चुकी हूँ गुरुदेव, त्याग चुकी हूँ। जिसे तू मोह कहती है, अगर वो प्रेम है तो बेटी तू संसार में वापस चली जा। सच्चा प्रेम भक्ति का दूसरा नाम है, वो रास्ता भी मनुष्य को भगवान की तरफ ले जाता है। नहीं गुरुदेव, अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तूफान गुरुदेव, भयंकर तूफान जो विश्वास को बहा ले जाएगा। मैं विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए, मैं संसार के योग्य नहीं गुरुदेव। तो फिर मन की शांति के लिए तुझे अपने और संसार के बीच एक सीमा खींचनी होगी। सीमा कभी न गिरने वाली लोहे की दीवार। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। गले में रुद्राक्ष की माला, तन पर गेरुआ वस्त्र और मन में भगवान की मूर्ति। हाँ बेटी, झोकन। सुध भी
भाई, ये रहे तुम्हारे रहीम साहब। स्वामी जी आप, मैं भगवान ने बड़ी दया की, तुम्हारा लिया दिया काम आया, तुम्हें नई जिंदगी मिल गई। स्वामी जी मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सरकार, हम लोगों ने जंगल का कोना कोना छान मारा। बड़े सरकार, न जाने कहां भटक रहे हो। आओ। ये आप तिल मिलाई क्यों जा रही हैं? एक बार ठंडे दिल से सुन तो लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बेहुदा और बकवास बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, हट जाइए मेरे रास्ते से। आज ना तो मैं हटूंगा ना आपको जाने ही दूंगा, हिम्मत हो तो जाइए। अरे वाह, ये भी कोई बात हुई? आप जबरदस्ती करेंगे क्या? जी हाँ, जबरदस्ती। आज आप चाहे तो चीख भी सकती हैं, लेकिन मैं आज आपको उस वक्त तक नहीं जाने दूंगा जब तक हाले दिल सुना न लूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जी शुक्रिया, शुक्रिया। की तरह पालने का वादा किया, मैं पंडित लेकर आया और तुमने घर छोड़ दिया। घर नहीं छोड़ा, संसार छोड़ना चाहा, आत्महत्या। आत्महत्या? हाँ, कोशिश की पर बाबा ने बचा लिया। मैं मरना चाहती थी, बाबा ने जीने का उपदेश दिया,
जिस तरह एक छोटे से बच्चे को माँ उंगली के सहारे चलना सिखाती है, उसी तरह बाबा ने मुझे अपना सहारा देकर जीवन की इन कांटों भरी राहों पर चलना सिखाया। ये मेरी बात का जवाब नहीं। बोलो चंपा, तुमने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? तेरे जाने के बाद मैं खुशी से पागल हो रही थी, न हंसी रुकती थी और न आंसू। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पंख लग गए। इतने में दरवाजे पे खटखट हुई, मैं समझी तू वापस आ गया। मैंने लपक के दरवाजा खोल दिया, पर वो तू न था। वो था मंगल। और बस चंपा, बस। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। गांव वालों ने तुझे फरिश्ता कहा, देवता के स्थान पर बैठाया, लेकिन तूने उनके विश्वास को पांव तले रौंद दिया। तू नीच है, तू कमीना है, और तूने इसके गले में बाहर डालने से पहले अपने गले की यह माला न देखी। इसके बदन को छूने से पहले तुझे गंगा जल से ज्यादा पवित्र ये गेरुआ वस्त्र नजर न आया। तूने ये न सोचा कि वैराग के रूप में तू एक जोगन की पवित्र आत्मा है। स्वामी जी, आपके चरणों की सौगंध मुझ पर विश्वास कीजिए, हम पापी नहीं। स्वामी जी, मैं दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। गांव वालों को पता चल गया तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाएगी। नीच तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे। स्वामी जी, इस तरह चला गया तो एक जोगन की पवित्रता पे कलंक लग जाएगा। स्वामी जी, मैंने जिंदगी में जिसे भी सुनाना चाहा उसे सुनना पड़ा, आपको भी सुनना पड़ेगा। भगवान की सौगंध, मैं रहीम नहीं, मैं हरि सिंह हूं, हरि सिंह डाकू। ये जिसे आपने गेरवा वस्त्र पहनाकर जोगन का रूप दिया है, ये मेरी चंपा है। हमने एक दूसरे से प्रेम किया, हमेशा हमेशा के लिए एक होना था, लेकिन हमारे दुर्भाग्य हम बिछड़ गए। और जब मिले तो 14 साल के बाद, जब चंपा जोगन और मैं रहीम बन चुका हूं। विश्वास नहीं आया स्वामी जी, मां की सौगंध, मैं काली का भक्त कल भी था, आज भी हूं और मरते दम तक रहूंगा। फिर दुनिया के सामने तुमने अपने आप को रहीम क्यों कहा? ये एक राज है। बस गीता की लाज निभाने के लिए उस दिन से रहीम बन गया। स्वामी जी, मुझ पर पाप न चढ़ाइए। देवता के चरण ही छूते हैं हरि सिंह। मैं समझता था कि तपस्या मेरी है, भक्ति मेरी है, भगवान की पूजा मैंने ही की, मगर आज मालूम हुआ कि तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पूजा कहीं ज्यादा ऊंची है। सुल्ताना बिटिया के लिए खान बहादुर साहब के बेटे महबूब मियाँ की शादी का पैगाम लाया हूँ। शादी का पैगाम? देर मत करो सुंदरमुख, जल्दी जाओ और कहो कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। सरकार, खुशी की एक खबर नहीं, जुड़वा खबर है, सुना दो उस्ताद। खान बहादुर साहब की बहन जीनत बिटिया की शादी
सरकारों के सरकार रहीम साहब के साथ। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये शादी किसी हालत में नहीं, किसी कीमत पे नहीं। क्या कह रहे हैं आप? जीनत बिटिया लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। ऐब जीनत में नहीं, ऐब सुंदर मुझे। आप जाइए और खान बहादुर साहब से कहिए कि रहीम ने अपना रिश्ता मंजूर नहीं किया। लेकिन उस्ताद, खान बहादुर साहब इतनी बड़ी जिल्लत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहते तंबूरे। सुल्ताना का रिश्ता वापस ले लेंगे? ले लें, लेकिन मैं जीनत के साथ शादी नहीं कर सकता। सोच लीजिए, आपकी एक ना से सुल्ताना बिटिया का दिल टूट जाएगा। मतलब? अब तो कहना ही पड़ेगा, सरकार दोनों एक दूसरे से बहुत ही मोहब्बत करते हैं। ठीक कह रहा हूँ, सरकार न जाने की जिद में दो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। सुंदर मुझे, जीनत मेरी सौतेली बहन है, लेकिन मैंने उसे बेटी की तरह पाला, पढ़ाया, लिखाया, डॉक्टर बनाया, और अब मैं उसकी शादी करके बेटी की तरह रुखसत करूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी शराफत मुझे सच बोलने पर मजबूर कर रही है। आप जीनत की शादी रहीम से ना करें, इसी में जीनत की भलाई है। खान साहब, मैं कुछ समझा नहीं। बात यह है खान बहादुर साहब, कि रहीम की बीवी ने मरते वक्त रहीम से कॉल लिया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। रहीम को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए उसने आज तक दूसरी शादी नहीं। फिर आप क्यों राजी हुए? सिर्फ इस डर से कि कहीं इस इनकार के बाद आप महबूब का रिश्ता वापस कर लेंगे। खान बहादुर साहब, मैं अपनी बेटी का घर आबाद करने के लिए आपकी बहन का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब मुझे इजाजत। खान साहब, दिल पर बोझ लेकर न जाइए। आप जैसा सच्चा और ईमानदार हमारे बने, हमें अपनी किस्मत पर नाज है। हमने जीनत का रिश्ता बखुशी वापस लिया। महबूब और सुल्ताना की शादी के लिए हमने जबान दी और जबान ली। महबूब, जानते हो नीचे कौन आए थे? होगा कोई, ऐसे तो बहुत आते जाते रहते। अरे, सुल्ताना के दादा जान आए थे। होंगे। क्या कहा? सुल्ताना के दादा जान आए थे? क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या कह रहे थे, सुना आपने? अरे भैया ने तुम्हारी शादी सुल्ताना के साथ पक्की कर दी। क्या कहा? सुल्ताना की शादी तय हो गई। भगवान, भगवान तुम कितने दयालु हो, तुमने हरिया के वचन की लाज रख ली मेरे भगवान। मेरी समझ में नहीं आता कि भगवान को मुझ जैसे पापी दया क्यों आ गई। अब तुम पापी नहीं रहे, पछतावे की आग में जल जल कर कुंदन बन गए हो। याद नहीं, स्वामी जी ने तुम्हारे चरण छुए थे और कहा था देवता के ही तो चरण छूते हैं। अरे, तुमने इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई और मेरे मुंह तक मीठा नहीं कर रहा है। ये लो हरिया। डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया है, आप भी भागिए। मुट्ठी भर डाकू सारा गांव लूटे, चुल्लू भर पानी में डूब मर। जाओ अपने घरों में चूड़ियां पहन कर बैठो और अपनी माँ और बहनों से कहो कि अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए डाकुओं से मुकाबला करें। आइयो, ये डाकू क्या होते हैं मैं तुमसे ज्यादा जानता। अगर आज तुम इनसे डर कर भाग गए, इस गांव में रहना जिंदगी भर के लिए हराम हो जाएगा। चलो मेरे साथ, हम मिलकर उन पर हमला करेंगे।
क्यों पहचाना नहीं? मैं हूं मंगल, डाकू, तेरा साथी। मंगल? हाँ, इसे अपना ही घर समझ। बैठ मंगल। अरे अपना ही घर समझ के तो आया हूं भरिया। हरिया मत कह, अब मैं रहीम, रहीम समझ ले। हरिया मर चुका है। हरिया मर चुका है? नीच, तूने धर्म बदल दिया? नहीं मंगल, मैंने धर्म नहीं बदला। मैं आज भी काली का भक्त हूं। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए मैंने रहीम का चोला पहन लिया है। मुझे क्या, तू रहीम छोड़ किरस्तान बन जा। वाह क्या ठाट, टाके के माल पर खूब जी खोलकर ऐस मार रहे हो हरी सिंह। मना कर चुका, मुझे हरी सिंह ना कहे। चल नहीं कहता। जब मैं बारात लूटने गया तो गुफा में तू अकेला था, सब मारे गए और मैं पकड़ा गया। सबका माल गुफा में था जिसे लेकर तू भागा। आज उसी का बंटवारा करने आया हूं रहीम साहब। लेकिन मंगल, मत भूल, मैं तो जेल काट के आया, लेकिन आज भी पुलिस तेरी तलाश में है। अरे तू रहीम छोड़ खुदा बन जा, फिर भी फांसी के फंदे से नहीं बच सकता। और अब तो मेरा एक इशारा। ये जो कुछ तू देख रहा है इसमें लूट और डाके का कुछ नहीं मंगल, उसे तो मैं कब के धान कर चुका। ये मेरे गाढ़े पसीने की कमाई है। गाढ़े पसीने की कमाई। मंगल मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात का यकीन कर, मैं सच कह रहा हूं। ये सच कह रहा है। तूने पहचाना नहीं, ये तो अपनी मुनिया है मुनिया। और अब मैं ये नाटक उसी के लिए खेल रहा हूं। बस इसका ब्याह किसी बड़े घर में हो जाए। अरे ये तो जवान हो गई। मंगल हाथ क्यों रोक लिया, मारता क्यों नहीं? मैं भी रुपये लेकर आया, लेकिन एक बात याद रख, तू यहां फिर कभी नहीं आएगा, समझा? मंगल तुझे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जा यहां से, नहीं तो छूटे मार के निकाल दूंगा। अरे हंसता क्या है, सुना नहीं मैंने कहा है कि निकल जा यहां से? चाचा घर आए हुए पुराने साथी की बेइज्जती ना कर। अरे चुप, का बच्चा तेरा मेरा जोड़ी क्या, तू चोर डाकू? मैं चोर डाकू और तू बड़ा सरी? अरे हाँ हाँ, हमारी शराफत परखनी है तो गांव के बच्चे बच्चे से पूछ ले। ये वो चौकट है जिस पर माथा टेकने में लोग अपनी इज्जत समझते हैं। लेकिन मैं तो अभी तक इसको चोर डाकुओं का अड्डा ही समझता हूं। चाचा यह मंगल था कहां गया? मैंने उसे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया है, वो जरूर जेल से भागा होगा, अब वो यहां आने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। ये तूने क्या किया चाचा? मंगल मंगल ओ मंगल 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 मंगल, चाचा की बात का बुरा मत मान। ये देख मैं तेरे लिए रुपए लाया। अरे तू सचमुच बुरा मान गया मंगल, चाचा बुढ़ापे में सठिया गया है। मैं पुलिस चौकी जा रहा हूं मंगल, अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी,
डाकू हरी सिंह और यार खां के हाथों में हथकड़ी लगाकर इसी गांव के बाजार से घसीटती हुई ले जाएगी, जिस गांव के लोग तुझे देवता समझकर तेरी पूजा करते। मंगल, तू पागल हो गया क्या? पागल तू है जो मट्टी के घिरौंदे को पत्थर की हवेली समझ बैठा है। नहीं जानता कि मंगल के एक फूंक से यह हवेली जमीन के बराबर हो सकती है। फिर मुनिया किसी बड़े घर की बहू नहीं किसी न किसी कोठे की रानी जरूर बनेगी। मंगल, 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 तूने मुझे इतनी बड़ी गाली दी, बेटी को वैश्या बना दिया, मेरी सहन शक्ति जाती रही, मेरा हाथ उठ गया। मंगल, मंगल, बात ही कुछ ऐसी थी, अगर तू मेरी जगह होता तो मेरा खून पी जाता। मंगल, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। मंगल, माफ कर दूं? पुलिस चौकी ना जा, मेरे राज को अपना राज समझकर अपने दिल में छुपा ले। मैं हर जन्म में तेरा उपकार मानूंगा। ऐसे माफ नहीं करूंगा, तुझे मेरे चरण छूकर माफी मांगनी पड़ेगी। देखता क्या है, अरे मुनिया की भलाई चाहता है तो इन्हीं पैरों पर सर रखकर माफी मांगना पड़ेगी। कुछ दिनों से आपको परेशान देख रही हूँ, क्या बात है? परेशान? परेशानियां तो जिंदगी में लिखी रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिसका दिल पर तुम असर लो। मजबूर होकर पूछ रही हूँ। आप और दादा जान की रातों की नींद, खाना पीना, दिल का सुकून, सभी तो छिन चुका है। बोलिए ना, वो आदमी कौन था? उससे आपका क्या रिश्ता है जो बहुत गिरा हुआ इंसान है? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, उससे मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? आपको पता नहीं पड़ेगा, अगर जिंदगी की कोई भूल है, गलती है, गुनाह है, तो क्या है वो गुनाह? सुल्ताना, उस सलीम ने बाप के सामने बेटी को गाली दी, बाप की गैरत को ठेस लगी, मुंह कुचल देने के लिए बाप का हाथ उठा और उठकर वहीं रह गया। जवाब दीजिए, आपने उसका मुंह क्यों नहीं कुचला? किस राज के खुल जाने के खौफ से आप खून पे घूंट भी करेंगे? जहां तक मुझे याद है, हमारा कोई राज नहीं, ना हमने कोई गुनाह किया, ना उसके पास हमारा कोई राज है। कुरान शरीफ पर हाथ रखिए और यही सब कहिए जो अभी आपने मुझसे कहा। रखिए हाथ, खाइए कसम। सुल्ताना, अगर तुम्हारे दिल को कुरान पे हाथ रख के कसम खाने से तसल्ली होती है तो ले, मैं इसे अपने सर पर रखकर कसम खाता हूँ कि तेरे बाप ने कोई गुनाह नहीं किया और उस आदमी के पास हमारा कोई राज नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अल्लाह, तुझे तेरी किताब का वास्ता,
मुझे कभी माफ न करना, मुझे कभी माफ न करना, कभी माफ न करना अल्लाह। और बड़ा झूठ बोला करता था, माफ न करना। आओ रहीम साहब, तुम्हारी राह देख रहा था। क्यों, भिखारी समझकर भिक्षा देने आया है? कम है और ले जाना, मैंने हिसाब बेबाक नहीं किया। अभी तो लेना देना बाकी है मंगल। मुनिया की मंगनी की बधाई देना तो भूल ही गया था, बधाई हो। रहीम साहब, सुल्ताना की मंगनी मुबारक हो, लेकिन याद रहे, अगर मंगल की तरफ से आंख फेरी तो मुनिया खान बहादुर की बहू नहीं, कोठे की रानी बनेगी। मां, मुझे शक्ति दे। भगवान, आज सुल्ताना की शादी है, भगवान तुम उसके सुहाग की रक्षा करना, उसकी झोलियों को तुम खुशियों से भर देना, उसका हर दुख, उसका हर गम तुम मुझे दे देना भगवान। सुल्ताना को निराश ना करना, उसको कभी निराश ना करना भगवान, तुम सुल्ताना को कभी निराश ना करना। हो गया ना अल्लाह का फजल। अरे आइए आइए माथुर साहब। तो आज यहाँ क्यों आया है? जानता नहीं आज मुनिया की शादी है। क्यों आया हूं ये भी यहां बताना पड़ेगा। नहीं, चल मेरे साथ। आइए बैठिए। ऐसे खासा मैं बैठने नहीं आया हूँ, हाथ बटाने आया हूँ। मैं तो लड़की वाला हूँ। तेरे जाने के बाद मैं खुशी से पागल हो रही थी, ना हंसी रुकती थी और ना आंसू। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पंख लग गए। इतने में दरवाजे पे खटखट हुई, मैं समझी तू वापस आ गया। मैंने लपक के दरवाजा खोल दिया, पर वो तू ना था, वो था मंगल। क्यों, कहाँ ले जा रहा है? डाके का माल किसी ने घर में रखा है, इसी खंडर में दाड़ के रखा है। खोद के निकालूंगा और फिर तुझे हिसाब करूंगा। Thank you.
ऐसा लग रहा है जैसे अर्श का चंद फर्श पर आ गया। ये काका बस सही आ रहा है, रहीम साहब कहाँ हैं? हजूर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी अभी तो यहीं से न जाने। अरे भाई रहीम साहब को देखा है? किसी को पता नहीं कहाँ चले गए, चारों तरफ मैंने आदमी दौड़ा लिए। खत्म हो गया। क्या हो गया? छोटे सरकार को शेर ने बुरी तरह जख्म कर दिया, लोग उन्हें उठा कर ला रहे हैं। या अल्लाह रहम। क्या हुआ बेटे? देखा जल्दी हिम्मत से काम लीजिए। नहीं जाए, कोई उम्मीद नहीं। लाश को मस्जिद में ले चलो, कफन और दफन का इंतजाम किया जाए। दफन?
मुहम्मदन रसूलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलिल्लाह। चारपाई रख दो, मैं कहता हूँ चारपाई रख दो, ये दफन नहीं किया जाएगा, ये दफन। खान साहब, ये अब क्या करें? मरने वाले की कुर्बानी पर पानी ना फेरिए। मरने वाले की कुर्बानी पर पानी फिरता है फिर जाए, सुल्ताना के सर से तेरा नूच लिया जाएगा, उसकी शादी नहीं होगी ना हो, मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाऊंगा, चढ़ा दिया जाऊं, मगर इसको दफन नहीं किया जाएगा, ये गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। झूठ इंसान से बोला जा सकता है लेकिन खुदा से नहीं। स्वामी जी आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये रहीम नहीं है, ये माँ का पुजारी काली का भक्त हरि सिंह है, मेरा हरिया, मेरा हरिया। भाइयों, भाइयों, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है, ये हिंदू है, जन्म से हिंदू है। आज इसके बाप का दोस्त जारहा डाकू, जिसने बचपन से इसे औलाद की तरह पाला, अपने हाथों से इसकी जुदा को आग देगा, अपने हाथों से इसकी जुदा को आग देगा। बहादुर साहब, कुरान पाक की कसम, सुल्ताना मुसलमान की बेटी है, सुल्ताना की मां धोखे से हरि सिंह की गोली का निशाना बन गई, मरने से पहले उसने हरि सिंह को भाई कहा, हरि सिंह ने वचन दिया, गीता की कसम खाई, तो वो सुल्ताना को अपनी बेटी की तरह पालेगा। हरि सिंह ने वचन निभाया, गीता की लाज रखी, सुल्ताना जो मुसलमान थी उसे मुसलमान की तरह पाला, रहीम बनकर पाला। खुदा खुदा करके आज का दिन आया, सुल्ताना के हाथों में मेहंदी लगी, लेकिन मौत ने हरि सिंह को इतनी मोहलत मिला दी कि वो आंखों में आंसू लेकर एक बाप की तरह अपनी बेटी का डोला विदा करता। अनमोल साहब, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, उजड़ गया हूँ, आपसे एक ही इल्तजा है, इससे पहले कि मैं अपने बेटे की चिता को आग दूं, आप उसकी लाश के सामने सिर्फ इतना कह दीजिए कि आपने उसकी बेटी को बहू बना ली है। मैं सिंह, हमने तुम्हारी बेटी को बहू बना ली। राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। तुम पाप
भी नहीं रह सकता। पछतावे की आग में जल जल कर कुंदन बन गए हो। याद नहीं स्वामी जी ने तुम्हारे चरण छुए थे और कहा था देवता के ही तो चरण छूते हैं।